6 नवंबर को श्री हरि मिष्ठान भंडार पर वाहनों को लेकर हुए झगड़े से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। इसको मद्देनजर रखते हुए व्यापार मंडल सोनीपत एवं गन्नौर के व्यापार मंडल के सदस्यों ने मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें गन्नौर के SHO सुनील कुमार भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में व्यापारियों ने पुलिस को शुक्रवार तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि शुक्रवार तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो व्यापारी शुक्रवार को बाजार बंद रखेंगे, जिसमें SHO सुनील कुमार का कहना है कि उन्होंने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों को भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो आज जिला व्यापार मंडल सोनीपत की जो बैठक है, ये बहुत ही दुखदायक हमारे लिए क्षण था और इमरजेंसी में हमारे प्रधान जी, जो गन्नौर के प्रधान जी हैं, हमारे मास्टर जी हैं, कैशियर साहब हैं, इन्होंने कॉल की है मीटिंग कल यहाँ पे। गन्नौर में बहुत ही घिनौनी वारदात हुई है एक व्यापारी के साथ, जिस तरीके से उस दुकान में, वो वीडियो हमने देखे हैं, दुकान के अंदर घुस के जिस तरीके से जो तोड़फोड़ मारपीट की गई है, मैं कहता हूँ ये तो तालिबानी लोग भी इस तरह की घिनौनी हरकत नहीं करते जो एक व्यापारी के साथ की गई है। ये तो भगवान का शुक्र है कि भी कोई इसमें जान नहीं गई किसी की, अन्यथा जान जाने के पूरे चांसेस थे। और आज इस दुख की घड़ी में हम जिला व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी, गन्नौर के सभी साथी आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमने SHO साहब को यहाँ बुलाया है, उन्होंने बताया कि 2 की अरेस्ट हो चुकी है और बाकी का हमने उनको वीरवार तक का समय दिया है। अगर वीरवार तक इस मामले में सारी गिरफ्तारी नहीं हुई तो शुक्रवार को गन्नौर बंद का आह्वान हमने कर दिया है। गन्नौर शुक्रवार को गन्नौर बंद रहेगा और उसके बावजूद भी अगर पुलिस नहीं चेतती तो उसके बाद हम जिला सोनीपत का जो बंद का आह्वान करेंगे। हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश के व्यापारी नेता हैं, वो सारे इकट्ठे गन्नौर में होंगे और इसके लिए हर तरीके से हम अपने व्यापारी साथी के साथ। व्यापार मंडल ने संज्ञान लिया है कि हम जो है ना, भाजपा के जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं जिले के, तीर्थ राणा जी या अन्य जो पदाधिकारी हैं, उनको इस बारे में हम जो है ना अवगत कराएंगे और अवगत कराने के बाद उसको निष्कासित करने के लिए पार्टी से हम उनको सिफारिश करेंगे। जो हमारी SHO साहब से बात हुई है कि 2 अरेस्ट डाल चुके हैं, अब आप पत्रकार मोहदे हैं, आपको भी कन्फर्म करना पड़ेगा कि भाई ये अरेस्ट डल चुकी हैं या नहीं डली हैं या रात को छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ सब के बीच में SHO ने माना है कि 2 अरेस्ट, एक आनंद नाम का व्यक्ति है कोई और एक कृष्ण नाम का व्यक्ति है, उसको अरेस्ट करेंगे। SHO साहब कह रहे थे भाई पूछताछ के लिए, पूछताछ का तो इसमें कोई विषय ही नहीं है क्योंकि जितनी भी वीडियो है वो सारी अपने आप बोलती हैं, तो इसमें ना किसी गवाही की ना पूछताछ की। जितने भी मार्केट में वीडियो अवेलेबल हैं उन सब में ये घिनौनी हरकत बिल्कुल क्लियर आई हुई है और आगे भी किसी व्यापारी साथी के साथ ऐसा कुछ हुआ तो भारत जिला व्यापार मंडल हर तरीके से उस व्यापारी के साथ है। ये कोई पैसे को लेकर कोई इसमें घटना नहीं हुई थी और ये जो भी झगड़ा हुआ है, ये चाहे किसी के कार्ड में झगड़ा हुआ है, किसी भी बात में पार्किंग को लेकर या कुछ भी झगड़ा हुआ है, लेकिन झगड़े का मतलब ये नहीं होता कि आप इस तरह की घिनौनी या इतनी ज़्यादा मारपीट पर आ जाओ, जानलेवा हमला कर दो। झगड़ा हुआ है उसको, अगर हमारे आदमियों की गलती थी तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए थी। पुलिस किस लिए है? अब हम भी तो पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं, हमने उन पर कोई जानलेवा हमला थोड़ा कर दिया, तो पुलिस तो इसीलिए है। डॉक्टरी बताएंगे जी, 14 टाके उसको आए हुए हैं सिर में और अन्य चोटें भी उसको काफ़ी हैं, कोहनी पे भी है, हाथ टूटा, हाथ में फ्रैक्चर है, 1-2 एम्प्लॉइज और हैं जिनको चोट आई हुई है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए, देखो बीमार का तो डॉक्टर ही बता सकते हैं, लेकिन कुल मिला के जिला व्यापार मंडल इस घटना की भर्त्सना करता है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से, जिले के नेताओं से हम इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करेंगे। देखिए जी, कल शाम को जो है, यहाँ एक व्यापारी हमारा, जिसकी दुकान पे हम बैठे हैं इकट्ठे हुए हैं, यहाँ कुछ अपना सामान ये व्यापारी हमारा, अपने दुकानदार जो है, हलवाई की दुकान है, उतार रहे थे। उसके पीछे कोई कैंटर खड़ा, उस कैंटर वाले ने उसके, उनके जो मातहत काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनसे बदतमीजी की और कहा भी गाड़ी हटाओ। उन्होंने कहा जी 5 मिनट के लिए हमारे को समय दो, हम अपना सामान उतार लेते हैं। लेकिन वो हॉर्न पे हॉर्न बजाकर उन्होंने उस गाड़ी को ठोक दिया। गाड़ी को ठोकने के बाद उनमें आपस में, जैसा हमें पता लगा कि आपस में खास सुनी हुई, उन्होंने उसका सामान तोड़ दिया। तो उस आपस में लड़ने के बाद वो 10-12 आदमी उन लोगों ने और बुला लिए और बुला करके उसकी दुकान में शीशे जितने सूटे पड़े हैं सारे हमने देखे हैं, और एक जो कर्मचारी उसका गले पे बैठा था, उसके सिर में रॉड टाइप का जो वो डंडा था उसको मारा है, जिसके 14-15 टाके बताते आए हैं, वो इंजरी थी।
और वो खानपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिट था, हम वहाँ भी होके आए, आज वो अपने घर पे अपने गया है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पद पे हो, अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसी दुकानदार को अगर मारेगा या उसके साथ ही तोड़फोड़ करेगा, हम पूरा जिला व्यापार मंडल उसकी भर्त्सना करते हैं और जो भी कार्रवाई होगी वो इस व्यापारी को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं भी बीजेपी का वाइस चेयरमैन रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर जो आदमी अपने पद पर रहते हुए ऐसा कोई कार्य करेगा तो उसकी पूरी भर्त्सना करते हैं। और पुलिस की कार्रवाई हमने शुक्रवार तक का टाइम दिया है, वीरवार तक का, शुक्रवार को पूरा नोरबंद होगा और उससे भी अगर सहमति हमारी नहीं बन पाएगी पुलिस के साथ या उनके साथ तो पूरा जिला बंद करेंगे, पूरा हरियाणा बंद करेंगे, किसी व्यापारी को ऐसे पिटने नहीं देंगे, ये खुला ऐलान हमारा। ठीक, धन्यवाद। हरि मिष्ठान भंडार पे गाड़ी लगने के कारण एक झगड़ा हुआ था जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, वे आज दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लड़ाई झगड़ा ना हो इस तरह का, भाई क्या क्या हम पहले उपाय कर सकते हैं, क्या क्या हम सिक्योरिटी के लिए वहाँ गश्त वगैरह ज़्यादा करवा सकते हैं बाजार में, वो इस विषय में था। और इसमें हमने दो गिरफ्तार कर लिए हैं और जल्द ही अन्य को भी आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार कर लेंगे सर। तो हम बाजार बंद की सोचेंगे तो उसमें हम गिरफ्तारी तो हम आज ही कर चुके हैं। आपके अंदाजे से कितने सीसीटीवी फुटेज और इनसे पूछताछ कर रहे हैं, जो भी होगा जल्दी ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मारपीट करना, दुकान के अंदर जाके मारपीट करना, तोड़फोड़ करना और चोट मारना, सभी सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ठीक है।